करना था, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलते हैं अपन, है ना, और कैसे डिराइव होती है। तो यहाँ पे था अपना टॉपिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड होती हैं, उनको अपन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव्ड किनको बोलेंगे, विच आर डिराइव्ड यूजिंग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये किनका यूज करके डिराइव्ड हुई है, विच आर डिराइव्ड यूजिंग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इस पे जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते बेटा, यहाँ पे एरिया, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? तो सबसे पहले अपन देख लें, जैसे यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया के लिए सिंबल ए ले लिया मैंने। अब आप एरिया को लिखोगे, कोई भी एरिया लिखो, चाहे आप ट्रायंगल का एरिया लिखो, रेक्टेंगल का एरिया लिखो, स्क्वायर का लिखो, सर्कल का लिखो, कोई भी एरिया लिखो, एरिया में दो बार किसका प्रोडक्ट आएगा, लेंथ का प्रोडक्ट आएगा। जैसे ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको सर्कल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, कोई भी शेप हो बेटा, कोई भी ज्योमेट्रिक शेप हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये रोम्बस दिख रहा है ना, ये आपको ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है कुछ यहाँ पे। आप कोई भी एरिया लोगे, चाहे ट्रायंगल का एरिया ले लो, या फिर आप सर्कल का एरिया लो, या रोम्बस का लो, या रेक्टेंगल का लो, रेक्टेंगल के एरिया पे क्या लिखते हो आप, रेक्टेंगल के एरिया पे क्या लिखते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रोम्बस। रेक्टेंगल के एरिया पे लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सर्कल के एरिया पे पाई स्क्वायर, जहाँ पे आर इज द रेडियस, पाई कांस्टेंट है ना, और रेडियस का आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बेस हो गया सपोज, है ना, और हाइट है यहाँ पे तो 1/2 हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यस, ठीक है ना। और रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं, बेस इनटू हाइट, हाँ, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं ये हाइट ले लूं यहाँ पर की एच, और ये बेस है, तो ये बेस इनटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया, फिर क्लियर हो गया अभी। तो आप कहीं भी देखो, इसमें तीनों में देखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी तो एक प्रकार से लेंथ ही है ना, रेडियस भी लेंथ होती है, डायमीटर भी लेंथ होता है ना, ये सब लेंथ होता है। तो एरिया को आप कैसे लिखोगे, लेंथ इनटू लेंथ करके लिखोगे, दो बार लिखोगे, लेंथ का प्रोडक्ट। हाँ, जैसे 1/2 कहीं फैक्टर आया है, या पाई कहीं फैक्टर आया है, तो बेटा ये नंबर होते हैं, ठीक है ना, नंबर आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, ये कॉन्स्टेंट यूज किए गए यहाँ पे। तो आप कोई भी एरिया लिखोगे, चाहे आप रेक्टेंगल का लो, सर्कल का लो, ट्रायंगल का लो, रोम्बस का लो, या फिर पैरेललोग्राम का लो, कोई भी एक्स वाई जेड, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया आप लिख रहे हो, तो वो लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, लेंथ के प्रोडक्ट, लेंथ इनटू लेंथ। और लेंथ कैसी क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अब अगर आप इसकी एसआई यूनिट देखोगे लेंथ की, तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, लेंथ की एसआई, एस आई यूनिट क्या बनेगी इसकी, लेंथ की एस आई यूनिट मीटर इनटू मीटर, इसलिए क्या लिख दोगे आप इसको, मीटर स्क्वायर। और सी जी एस यूनिट क्या बन जाएगी आपकी इसकी, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, सो देयरफॉर इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया के लिए। अब एक और कन्वर्सन यहाँ पे आप लोग करके देख लेना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, ये कन्वर्जन करके देखना, ठीक है ना, ये कन्वर्जन करके देखना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, मैंने पहले भी करवाया, आप एक बार और करके देख लेना,
कैसे कर लोगे, 1 cm² का मतलब आप दो बार लिख दो ना उसको, 1 cm × 1 cm, 1 cm × 1 cm, 1 cm में कितना मीटर, 1/100 m × 1/100 m। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ये आंसर है। आप अपने हिसाब से आपको जैसा भी आता वैसा सॉल्व करना इसका, ठीक है ना, एरिया के लिए। क्लियर हो गया ये? सो दिस इज फर्स्ट पेज, एरिया के लिए लिखे अपन ने। एक्चुअल में ये जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ना, आज अपन नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन आप तभी लिख पाओगे जब आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं ये समझ पाओगे, है ना। तो ये बहुत आसान आसान काम है, ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है, इस पे पहले से भी पढ़ा हुआ है ना, बस नए तरीके से देख रहे अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। यस सर। हाँ सर। पेज नंबर 2 पे आपको माइक तुरंत म्यूट कर लिया करो बेटा। हाँ, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पे आप देखो वॉल्यूम। अब पहले मैं सबसे सिंपल सिंपल देख रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए सिंबल भी लिख दिया आपने, कोई भी 3D स्ट्रक्चर ले लो। वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, वॉल्यूम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से कैसे बनेगा, ये जैसे क्यूबॉइड हो गया एक, है ना, फिर ये सिलेंडर हो गया, ये स्फीयर हो गया एक। आप कोई भी वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम में क्या टर्म आ रहा बताओ जल्दी, कौन सा टर्म आता वॉल्यूम में? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये तो इसके लिए हो जाएगा ना क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए क्या लिखोगे, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सॉरी ये वॉल्यूम है ना, दिस इज द वॉल्यूम। यहाँ पर का वॉल्यूम क्या लिखोगे सर, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही। एक और तरीका लिखने का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, इसकी हाइट है। तो आप एक और तरीके से लिख सकते हो, एरिया इनटू हाइट भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. लिख सकते हो ना, कोई डाउट अभी इस पे? सर वो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर चाहिए, आपने ए आर स्क्वायर लिखे। अच्छा हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वहां पे पाई की जगह पे ए लिख दिया दोबारा, बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्यूबॉइड में, ये वाली फेस का एरिया मान लो कितना है, बी इंटू टी है, ये बी है और ये थिकनेस है। तो फिर वॉल्यूम को आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, लेंथ इंटू एरिया लिख सकते हो, ऐसा ये वाला पोर्शन लेंथ है, लिख सकते हो ना, समझ गए कि नहीं। स्फीयर में वॉल्यूम कैसे लिखोगे, 4/3 πr³। यस, दिस इज 4/3 πr³, वेरी गुड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में भी आप देख रहे हो तीन बार लेंथ का प्रोडक्ट आ रहा है, चाहे आप क्यूबॉइड के लिए देखो या सिलेंडर के लिए देखो या स्फीयर के लिए देखो। स्फीयर में तीन बार रेडियस का प्रोडक्ट आया ना, 4/3 तो कॉन्स्टेंट है। सिलेंडर में दो बार रेडियस आया, एक बार हाइट आया, और क्यूबॉइड में तीनों बार लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गया, तीन बार लेंथ का प्रोडक्ट है। तो वॉल्यूम किससे डिराइव हुआ है, लेंथ इनटू लेंथ। अभी समझ गए कि नहीं, थ्री बार लेंथ के प्रोडक्ट से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लेंथ क्यूब आप लिख सकते हो इसको, है ना। तो अब इसकी SI यूनिट क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं अपन, SI यूनिट इज मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, सो देयरफॉर इट्स SI यूनिट इज मीटर क्यूब। CGS यूनिट इज सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे आप एक कन्वर्जन कर लो कि 1 cm³ कितने मीटर क्यूब होता है, ठीक है, ये करना जरूर लेकिन अपने हिसाब से, है ना, आपको जो भी टेक्निक आती है उससे करना। सर 10⁻⁶ कितना होता है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ये आंसर आपको निकालना है, ये मत कि सर ने, ये नहीं सोचना कि सर ने तो लिख दी अब हमको करने की जरूरत है,
दिस इज 10 टू द पावर माइनस 6, आंसर इतना आना चाहिए आपको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है? अरे भाई समझ गए, समझ गए? यस सर। इसके बाद अब अपन अगले पेज पे जा रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जा रहे हैं। पेज नंबर 3 पे पेज नंबर 3 पे देखोगे, अभी अपन ने एरिया और वॉल्यूम देखे, अब थोड़ा अलग में आते हैं अपन, अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। स्पीड, हाँ स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना स्पीड के लिए, इज इट क्लियर? तो स्पीड डिस्टेंस का मतलब भी लेंथ है ना बेटा यहाँ पे, और टाइम भी खुद बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ अपॉन टाइम है ना, क्लियर हो गया? हाँ, लेंथ अपॉन टाइम, तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये किससे बनी है यहाँ पे? लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, लेंथ और टाइम से, समझ गए ना? स्पीड इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, किससे मिलकर बनी? लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। जबकि एरिया और वॉल्यूम सिर्फ लेंथ अकेले से मिलकर बनी थी, प्रोडक्ट अकेले से, यहाँ पे किससे मिलकर बन गई है? लेंथ और टाइम से मिलकर बनी। तो अब इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, CGS यूनिट क्या बनेगी, देख सकते हो यहीं पे आप। SI यूनिट क्या जाएगी इसकी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे आएगा? डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। मीटर बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके लिखने के। हाँ CGS यूनिट क्या बनेगी बेटा? सेंटीमीटर बाय सेकंड। सेंटीमीटर बाय सेकंड, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर बाय सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, पर सेकंड। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे स्पीड के लिए? नहीं है। अभी वेलोसिटी देखो, आप वेलोसिटी, वेलोसिटी में इसके लिए भी सिंबल भी लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे आपके लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट समझते हो कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट, माइक म्यूट रखो, हाँ माइक म्यूट रखा करो तुरंत। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी लेंथ होगा। दिस इज लेंथ अपॉन टाइम। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है? लेकिन इसको जाने के लिए जो सड़क बनी है ए से बी तक, या जगह आपके घर से मान लो आपको कहीं पे आना है, लोकमत बिल्डिंग आना है, तो कुछ सड़क बनी होगी, ठीक है? तो अगर ए से बी तक आने के लिए कोई रोड बनी हुई है, जैसे मान लो ये रोड बनी हुई है ऐसी, ये ऐसे कुछ रोड है यहाँ पे, है ना? आप सीधे सीधे नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया? इसका जाने का डिस्टेंस हो गया। और आप मान लो किसी गाड़ी से आ रहे हो यहाँ पे, कार से आ रहे हो, फिर स्कूटर से आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, ए से बी तक, तो ये डिस्टेंस आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, ठीक है? ये डिस्टेंस आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, दिस इज द डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ए से कहाँ तक? बी तक आने के लिए। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस। ए से बी तक आप सीधी लाइन खींच दो, या आपके पास ऐसी एरोप्लेन है छोटा सा हवाई जहाज, या अपने घर के छत पे खड़े हो गए, या हेलीकॉप्टर है, और सीधे आप बी पे उतर गए सीधे सीधे, उसके लिए आपको सड़क से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आप सीधे आ जाओगे एयर रूट से। तो ये जो पोर्शन होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अभी समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? एक और बार बताओ ना। यस सर।
डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। दोनों जगह पाथ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। सर अगर ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे एज अ डिस्प्लेसमेंट एंड अगेन रिटर्न टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। यस, बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आप ए से बी तक गए और फिर वापस बी से ए आ गए, उसी रास्ते से आए जिससे गए, मान लो जो डिस्टेंस वाला रास्ता आपका, ठीक है, इधर पे चाय की दुकान है, पकौड़े की दुकान है, पकौड़े भी खा लिए, फिर बी पे पहुंच गए आप, फिर वापस भी वहीं से गए कि नहीं अभी और भूख लग गई दोबारा खा लूं, ठीक है। लेकिन जब आप वापस ए पे पहुंचोगे, आप अपने घर पहुंचोगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ओके, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। जैसे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, आप ए से बी गए और बी से वापस आ गए, तो स्पीडोमीटर जीरो दिखाता है क्या, उसका जो डिस्टेंस की रीडिंग होती है, नहीं दिखाता, वो डिस्टेंस मेजर करता है एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करता, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, क्लियर हो गया। अपॉन टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, आप उसको ले सकते हो। जैसे मान लो ए से बी तक आने में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइमिंग भी पुट कर देता हूँ, ए से बी तक आने में सपोज जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पे 100 meters, और टाइम इसको लगा बेटा 20 seconds यहाँ तक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये सपोज 40 meters का दिख रहा है, तो व्हाट इज द स्पीड हियर, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आएगी दैट इज 100 meters डिवाइडेड बाय 20 seconds, आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 5 meters per second। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज 40 meters डिवाइडेड बाय टाइम, वही लेना है, टाइम अलग नहीं होगा यहाँ पे, है ना। सो द आंसर विल बी 2 meters per second, ये वेलोसिटी है यहाँ पे। क्लियर हो गया, अभी कोई डाउट, क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, ओके। तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आएंगी, अभी बताओ यहाँ पे देख के, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम है ना। सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, इज इट क्लियर, सेंटीमीटर पर सेकंड आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड के लिए जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो, यहाँ पे जो स्पीड होती जनरली वो मीटर पर सेकंड पे नहीं लिखते, किस पे लिखते, किलोमीटर पर आवर पे लिखते। तो आप ये कन्वर्जन करके देखना, किलोमीटर पर आवर, जैसे लिखा अपन ने 1 kilometer per hour कितना मीटर पर सेकेंड होता है, ये कन्वर्जन आप करना, 1 kilometer per hour कितना मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ये कन्वर्जन करके देखना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। 1 kilometer कितना होता भाई, 1 kilometer इज 1000 meters एंड 1 hour कितना सेकेंड होता है, 3600 seconds, ठीक है। तो कन्वर्ट करके देखना कितना होता है, मतलब आपको शॉर्टकट में फार्मूला मिल जाएंगे वहां पे। क्लियर हो गया अभी, सो दिस इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। अरे भाई समझ गए, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट है अभी? यस सर। स्पीड और वेलोसिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुई है, लेंथ और टाइम से। देखो दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, डिस्टेंस अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, लेकिन अगर अपन बेसिक की बात करें तो बेसिक में दोनों एक ही चीज है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन जो बेस से वो जनरेट हुई है वो सेम है, स्पीड और वेलोसिटी सेम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से जनरेट हुई है, लेकिन दोनों अलग अलग है बेटा, स्पीड अलग है और वेलोसिटी अलग है। क्लियर हो गया? अब दिमाग में आ रहा होगा, सर जब ऐसा था, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है, तो ये वेलोसिटी निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई हमको, ये तो हम स्पीड से भी बता सकते थे, ठीक है। तो एक्चुअल में वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी एसिलरेशन को बताने के लिए,
भाई आप गाड़ी को एक्सीलरेट कराते हो, तो एक्सीलरेशन को डिस्कस करने के लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। और जब एक्सीलरेशन डिस्कस होगा तो फिर फोर्स की कॉन्सेप्ट भी आती है वहां पे आगे चल के। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया, ले लिया, ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। अब देखो बहुत छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी और देखते हैं अपन, पहले एसिलरेशन समझ लेते हैं उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एसिलरेशन, ठीक है, एसिलरेशन ए से मैंने डिनोट किया। What is acceleration here? Acceleration is change in velocity upon time taken या time interval. तो change in velocity को आप लिख सकते हो delta v upon t. देखो ये physics में जो delta term आया ना, इसका बहुत important role होता है। कहीं पे अगर delta लिखा है तो ये डेल्टा का सिंबल हम चेंज के लिए यूज करते हैं, चेंज। जैसे सपोज डेल्टा एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स आई का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। ये चेंज का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अपन ने अभी ऊपर देखा था यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है ना, ये खुद किससे मिलकर बनी है, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम से मिलकर बनी है ना बेटा, लेंथ अपॉन टाइम होल डिवाइडेड बाय फिर से टाइम इक्वल्स टू क्या बन गया, ये ओवरऑल लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम के स्क्वायर से मिलकर बन गया, है ना। तो फिर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, आप एसआई यूनिट देखोगे, एसआई यूनिट लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, इसलिए आप इसको क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप इसको लिखते हो। CGS यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। जैसे आपको याद है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद है, इज इट क्लियर। अगर यहाँ पे आप देखो, एक सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक्सीलरेशन को और समझाने के लिए, सपोज ये आप यहाँ पे कार अपन ने इमेजिन किए एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ, अभी इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसी डायरेक्शन पे कुछ देर बाद जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड से, कितनी देर बाद ये ऑब्जर्व हुआ, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, आफ्टर 5 सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 पे इतनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर, तो एक्सीलरेशन विल बी a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, बेटा माइक म्यूट रखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, सो फाइनल इज 12 माइनस इनिशियल इज 2, टाइम टेकन इज 5, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है इसका एक्सीलरेशन है, मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो गाड़ी में जो एक्सीलरेटर लगा होता है ना उसका यही काम होता है कि वो स्पीड को बढ़ाता भी है और कम भी करता है, तो एक्सीलरेटर का मतलब उसी का सेंस है ये एक्सीलरेशन। अभी समझ गया या कोई डाउट है, हेलो, क्यों एक्सीलरेशन को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी, अरे भाई समझ गए या नहीं, समझ गए ओके। ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक्सीलरेशन के लिए।
ले लिए सर? सर एक मिनट ऊपर कीजिए, मैंने ऊपर वाला नहीं लिया था। इस पे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताए थे, स्पीड एंड वेलोसिटी है ना? जी सर ले लिया। ले लिया? हाँ सर। इस पे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती ये डिस्कशन किया था अपन ने, ठीक है? और इसके पहले वाले पेज पे क्या डिस्कशन किया था? सीधा सीधा हमने वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्कस किया था, है ना? वॉल्यूम क्या होता है, कैसे लिखे वॉल्यूम को अपन ने। इसके पहले वाले पेज पे अपन ने क्या डिस्कस किया था? पहले वाले पेज पे रिवीजन चल रहा अपना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो एरिया से अपन ने शुरुआत किया था इसको, ठीक है ना? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती? 7 बेसिक है, 2 सब बेसिक है, और बाकी जितनी भी हैं सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस इज अबाउट एरिया, दिस इज अबाउट वॉल्यूम, ये सेकेंड वाले पेज पे है ना। फिर इसके अगले वाले पेज पे स्पीड और वेलोसिटी, ये देखो स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे लिखे अपन ने, यूनिट कैसे बनाए, स्पीड को मेजर करने की SI यूनिट कैसे बनाए, CGS यूनिट कैसे बनाए। उसके बाद में फिर एक्सीलरेशन पे पहुंचे अपन, है ना? यूनिट कैसे बनी, फिर है क्या फिजिकल क्वांटिटी, ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है पहले तो। अब अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 5 पे, ठीक है? तो पेज नंबर 5 पे फटाफट मुझे 2 फिजिकल क्वांटिटी बताना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? पेज नंबर 5, तब अपन डायमेंशन पढ़ पाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला है ना। हाँ देखो, अभी एक है मोमेंटम, किसके बराबर लिखते हो आप मोमेंटम? मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, इसके लिए सिंबल मैंने यूज किया पी। कैसे लिखते हो बेटा मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, इसका मास 2 kg है और इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम, न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये भी तो डिराइव हो गया ना, डिराइव हो गया कि नहीं? मास तो खुद बेसिक है और वेलोसिटी किससे मिलकर बना? लेंथ अपॉन टाइम से मिलकर बना है। तो फिर इसकी यूनिट क्या आएगी? वैसे भी आप जब प्रोडक्ट कर रहे हो मास और वेलोसिटी का, यहाँ पे इस क्वांटिटी का जो लीनियर मोमेंटम आएगा ये किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे? दैट इज 2 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। आप देख लो यहाँ पे 8, फिर kg और फिर मीटर पर सेकेंड, है ना? तो ये इसकी SI यूनिट रहेगी, 8 kg मीटर पर सेकेंड, समझ गए? सिमिलरली यहाँ पर से अगर आपको यूनिट देखना है मोमेंटम की, SI यूनिट क्या आएगी भाई? तो मास की SI यूनिट होती kg, लेंथ की मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम की जो SI यूनिट है दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम के लिए SI यूनिट। CGS यूनिट भी लिख सकते हो, माइक म्यूट रखो बेटा, ठीक है? माइक म्यूट रखो, ओके। CGS यूनिट क्या आएगी? CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद आप मोमेंटम के बाद देख लो डेंसिटी, डेंसिटी इसके लिए मैंने स्पेशल सिंबल लिखा रो, स्पेशल सिंबल है ये, है ना? ग्रीक अल्फाबेट्स हैं ये, स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के लिए ये सिंबल भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ठीक है? ये सिंबल हो गया लैम्डा, म्यू, फिर नीटा, ये सिंबल होता टाउ, ये एप्साइलॉन, इज इट क्लियर? ये होता रो, क्लियर हो गया? थीटा, फिर और भी सिंबल्स होते हैं, ये हो गया फाई, साई, काई, ठीक है? फिर सिग्मा,
ओमेगा। हाँ ये सिंबल होता ओमेगा। तो ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं और फिजिक्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो मैं इनको बीच बीच में बताते भी चलता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए आपने क्या लिखा, रो सिंबल यूज किया यहाँ पे, तो डेंसिटी रो विल बी गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास खुद बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और वॉल्यूम डिराइव्ड है, किससे डिराइव हुई बेटा ये वॉल्यूम, माइक तुरंत म्यूट कर लिया करो ना जवाब देने के बाद में, ठीक है। ये किससे डिराइव हुई, लेंथ, हाँ यामिनी बोलो बेटा कुछ पूछ रहे हो यामिनी, लेंथ, नो सर गलती से हो गया, ओके, मास अपॉन लेंथ टू द पावर 3, है ना। तो ये इससे डिराइव हुई, मास और लेंथ से डिराइव हुई। तो अब आप इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट बता सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड व्हाट इज सर केजी पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब एंड सीजीएस देखो मास को आप मेजर करोगे केजी में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट अगर इसकी देखोगे तो मास के लिए ग्राम, फिर सेंटीमीटर क्यूब, सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हो। तो आपके होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये आंसर आपको निकालना है, ये कन्वर्जन आपको करके रखना है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये कन्वर्जन करके रखना है आपको। समझ गए, अरे भाई समझ गए कि नहीं, yes, sir. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, ये इसको ये कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। कोई डाउट अभी इस पे, ये जो डिस्कशन किए मोमेंटम एंड डेंसिटी पे, कोई डाउट है, समझ गए इसको, अरे भाई समझ गए, yes, sir. सभी बच्चे समझ गए इसको, yes, sir. Yes, sir. सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली समझ गए, क्योंकि अब अपन जब चालू करेंगे yes, ये अभी डायमेंशनल फार्मूला, तो उसमें बगैर इसके काम नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको नहीं बन रही है, तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल ही नहीं पाओगे, है ना, इसके बगैर बनेगा ही नहीं डायमेंशनल फार्मूला। तो अब मैं यहाँ पे आगे 2-3 फिजिकल क्वांटिटी और डिस्कस करता हूँ जो बेसिक वाली है, जो हमको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है ना। एक है फोर्स और एक वर्क एंड एनर्जी। तो पेज नंबर 6 पे अपन फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी पे आते हैं अभी, ठीक है। और अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना, कौन सा पेज है अपना अभी, 6 नंबर का कि 5th नंबर का है, 6th तक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं, हाँ ये ऊपर वाले पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या, इसका ले लो अभी आप लोग, 5th पेज का ले लो एक, हाँ ये थोड़ा पेज सेट करने दो, ले लो अभी स्क्रीनशॉट, ले लो अभी इस पेज का, लिए सर, ले लिए सर, ले लिए, ओके गुड। तो अब पेज नंबर 6 पे अपन आते हैं, है ना। अच्छा किसी बच्चे का जैसे नेटवर्क के कारण ये मिस हो जाता है लेक्चर, कहीं बीच बीच का छूट जाता है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं अभी, कल से मैंने वीडियो डालना चालू कर दिया है, अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं अपन ने, है ना। उसपे सेम लेक्चर, मतलब कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, जैसा अपन पढ़ रहे हैं वैसे की वैसे ही वीडियो आपको उसमें देखने को मिलेगा, जैसा पढ़ रहे हैं अपन, कोई एडिटेड नहीं है उसमें वीडियो। तो जहां से आपका छूटा रहेगा वहां से आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है ना, समझ गया। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते जाएंगे, बट मेरा ये है उसमें कि भाई अगर आपका आज छूटा तो आज की आज ही कर लेना, ऐसा नहीं कि आप 4 दिन बाद देखेंगे ना तो आपका बर्डन बढ़ते जाएगा, तो आज की आज ही आप उसको देख सकते हो, ठीक है, शाम आम तक। क्या नाम से होगा सर? हाँ नाम यहाँ पे बता देता हूँ उसका, दैट इज सब कैपिटल लेटर में, और उसमें ग्रुप में भी भेजा हूँ मैंने उसके बारे में पूरा, सर आपने लिंक भेजी है, लिंक भी भेजा हूँ और ये भी भेजा था मैंने कि क्या चैनल का नाम क्या अपना, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, मैंने सब्सक्राइब किया यूट्यूब पे आपके चैनल, वेरी गुड। तो सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना, सर, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना सब लोग, अरे वो सब छोड़ो ना भाई, हाँ सब्सक्राइब कर लेना तो उसमें तुमको पता चलते रहेगा, ठीक है सर। आज का वीडियो डालेंगे ना अभी? हाँ आज का वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ,
अभी तुरंत तो नहीं डलता, ये थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो अपलोड वगैरह करने पे। नाम क्या है? मोमेंटम क्लासेस? नहीं मोमेंटम क्लासेस नहीं, उसमें ग्रुप में है, मैं दोबारा ग्रुप में और शेयर कर दूंगा कि क्या नाम है पूरा, है ना। कंप्लीट नाम अगर आप देखोगे इसका चैनल का, आपको इस तरह से दिखेगा, मोमेंटम नागपुर। मोमेंटम नागपुर, मोमेंटम नागपुर, कहीं पे गैप नहीं है और हाँ, मोमेंटम नागपुर, फिर डैश बनाया एक ऐसा, और यूट्यूब, मतलब नाम भी ऐसा सिंपल सा रखे अपन ने कि कोई भी आसानी से देख सकता, सर्च कर सकता, ठीक है ना। मोमेंटम नागपुर यूट्यूब, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और देखते रहना इसमें फिर जब, लेकिन मेरा यही है भाई कि आप इसके भरोसे पे मत रहना, लेकिन जो मजा आपका लाइव ऐसा पढ़ने में आता है ना, वो वीडियो देखने में नहीं आता है, है ना। वीडियो तो हजार पड़े हुए हैं, सेम टॉपिक पे पड़े हुए, और वो रॉ वीडियो जैसे ये आवाज आ रही है ना, तुम लोग पूछ रहे हो ना, वो भी आएंगी उस पे। तो क्योंकि हमने बिना एडिटिंग वाले डाले हैं, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि बिना एडिटिंग वाले वीडियो डालने का, कि भाई किसी बच्चे का जो छूटा है कहीं से, छूटा कहीं, तो वो वहां से उसके आगे देख ले, पुराना देखने की उसको जरूरत नहीं है ना। आपकी उसमें आवाज भी आएगी, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स किए आपने वो भी मिलेंगे, जैसे अपनी बातचीत हो रही है सब मिलेगा आपको उस पे, बिना एडिटेड वाले वीडियो है वो सब, तो थोड़े से लेंदी भी मिलेंगे उसके कारण वो बिना एडिटेड वाले। ये इतना जो कंटेंट अपन पढ़ते हैं ना एक घंटे में, अगर इसको एडिट कर दें अपन, तो वो कंटेंट 20 या 30 मिनट का होता है, क्योंकि हमको बीच में जो जैसे ये डिस्कशन कर रहे हैं अपन, ये हटा देते या फास्ट फास्ट हो जाता है ना, समझ गए कि नहीं। जैसे एक पिक्चर को बनने में पूरा साल भर लगता है, उसको 3 घंटे में खत्म कर देते हैं वो एडिट कर करके, ठीक है। तो वैसी कहानी है, तो ये बिना एडिटेड वाले वीडियो है, तो आपके क्लास अगर आज छुट्टी है, कहीं से कुछ मिस हुआ है, तो आप उसको देखो, अदरवाइज देखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। और बीच में कभी रिवीजन मैथ सब्जेक्ट का भी डालेंगे क्या? सभी सब्जेक्ट का आएगा उसमें, मैथ्स का भी रहेगा, फिजिक्स का भी रहेगा। तो कर दिया, अच्छा सर, ठीक है, ओके, है ना, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको उसमें। कर लिया सर सब्सक्राइब। ओके गुड, इतने जल्दी कर लिया तुमने, अभी तो क्लास चली रही है। सर मैंने भी किया। इसका मतलब क्लास चलते चलते तुम व्हाट्सएप फेसबुक भी चलाते हो क्या? तो फेसबुक तो है ही नहीं, फेसबुक नहीं ना, इंस्टाग्राम है ना कुछ है। ओके वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात करके रखा है, ठीक है, ओके। देन अब अपन आते वापस से, फोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अपन देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स के बारे पे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये बार बार यूज होंगे आपके लिए, है ना। तो ये किससे बने हैं, कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से बने हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखा करो आप, है ना, लर्न हो जाने चाहिए ये अपने को। इनकी यूनिट क्या है, ठीक है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इनके कन्वर्जन क्या है, ये इतने फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कि इनको आपको याद रखना पड़ेगा फिर। तो नेक्स्ट है आप फोर्स के लिए देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स। फोर्स समझते हो कि नहीं समझते हो? फोर्स, व्हाट इज फोर्स? अगर फोर्स की आप डेफिनेशन देखोगे, द एनी फोर्स और पुल, ये होती फोर्स की डेफिनेशन। फिर न्यूटन भाई साहब आ गए, उन्होंने कहानी बना दी, इतनी बड़ी पिक्चर क्रिएट कर दी कि पूरा फिजिक्स ही हो गई फिर वहां पे, है ना। तो न्यूटन ने फिर लॉ दे दिया। तो एनी पुश और पुल, ये तो पहले से भी जानते थे ना, न्यूटन के पहले से भी लोग जानते थे इसके बारे में, धक्का देना, खींचना, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, कितना फोर्स लग रहा है, वो डिस्कस किया न्यूटन ने, फिर उसके बारे में पूरी कहानी दे दी है। तो एनी पुश और पुल, ये पहले से लोग जानते थे, न्यूटन के पहले से भी जानते थे, लेकिन कैसे मेजर करना है ये न्यूटन ने बता दिया फिर एक प्रकार से, है ना। तो फोर्स के लिए मैं अभी सिंपल सा लिख रहा हूँ, फिर अपन, वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर तुम्हें याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख दे रहा हूँ अभी इसको, मास इंटू एक्सीलरेशन लिख दे रहा हूँ मैं फोर्स को, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, समझ गए कि नहीं। और न्यूटन सेकंड लॉ में जाओगे तो वहां पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन आपको मिल जाएगी रेट, लेकिन उसका मीनिंग यहीं पे आएगा अगर मास कांस्टेंट है तो। अभी मैंने बस इतना ही लिखा,
मास और एक्सीलरेशन, क्योंकि मुझे ये किससे मिलकर बनी है वो देखना हमको कि भाई कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो मास तो खुद बेसिक हो गया, और एक्सीलरेशन किससे मिलकर बना बेटा यहाँ पे, दिस इज लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अभी समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो तो दिस इज, अब इसकी एसआई यूनिट देखो जरा क्या होगी और सीजीएस यूनिट क्या होगी। मास के लिए केजी और ये मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाद में चल के न्यूटन के सम्मान में इसको कलेक्टिवली कितना मान लिया गया, न्यूटन मान लिया गया, सिंबल कैपिटल एन। ठीक है, न्यूटन के सम्मान में केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन ने खुद थोड़ी रखा था कि भाई मैंने ये डिस्कवरी किया तो मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा, ऐसा नहीं। ये तो बाद में जब साइंस आगे डेवलप होते गई ना, तो उनके सम्मान में फिर फोर्स की यूनिट रख दी है न्यूटन। ठीक है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के इक्वल होता है, ध्यान रखना। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन ग्राम सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा जो आप बिल्कुल मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ जैसे अपन ने फोर्स को लिखा है ना। और ये कलेक्टिवली किसके इक्वल होता है, डाइन के इक्वल होता है, डाइन डाइन डाइन। क्लियर हो गया अभी सर? वन न्यूटन इक्वल टू हाई मीन हाउ मच डाइन, वन न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, पावर फाइव, 10^5। मैं बताऊं अभी तू खुद निकाल लेगा, बोलेगा अरे इतना आसान है निकालना क्या ये तो। ठीक है, अभी देख यहाँ पे बहुत आसान है निकालना, ये कन्वर्जन करना। एक यूनिट से दूसरी यूनिट का कन्वर्जन ना बहुत सिंपल होता है। जैसे वन न्यूटन लिखा आपने है ना, वन न्यूटन से कन्वर्जन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप न्यूटन के अंदर घुसो, न्यूटन के अंदर मतलब बना किससे भाई न्यूटन, तो न्यूटन किससे बना है देख यहाँ पे, केजी फिर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से बना है ना। तो जब तू इसके अंदर आ जाएगा न्यूटन के अंदर, तो तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। 1 kg मतलब कितना हो गया भाई, 1000 ग्राम हो गया, और 1 meter मतलब कितना हो गया, 100 centimeter डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझा? अरे भाई नहीं समझा क्या? समझा समझा, आ गया आ गया दिमाग में, चमक गया, ट्यूबलाइट जल गई, बत्ती जल गई। देखो 10^1000 अभी ये 1000 और ये 100, मतलब 10^1000 कितना बन जाएगा, ये 3 और ये 20 इधर के, तो टोटल हो गया 50। फिर ग्राम, फिर सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये कहीं तो गायब हुए नहीं अभी, तो वहीं रहे। तो अब ओवरऑल कितना बन गया बेटा, ये 10^5 डाइन। तो आगे से याद रखो, 1 newton इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है। भूलोगे तो नहीं अब, ये इतने यूज होते हैं ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ये, तो इनको याद रखो। कैसे कन्वर्ट किए मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, यहाँ पे है क्या किसी को कोई डाउट? हेलो कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो फोर्स किससे मिलकर बना है, मास लेंथ अपॉन टाइम के स्क्वायर से है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन जो लिखे आपने। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पे अपन आ रहे हैं अभी, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये इनको रिवाइज करवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब इसके बाद ही अपन डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लिया सर, लिया। तो नेक्स्ट अपन आ गए अभी वर्क एंड एनर्जी, दोनों को साथ साथ, हालांकि वर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से निकलते हैं, है ना। पेज नंबर 7 है ना, पेज नंबर 7, वर्क एंड एनर्जी अभी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी दोनों को साथ साथ डिस्कस कर ले रहा हूं, वर्क एंड एनर्जी, समझ गए? वर्क एंड एनर्जी दोनों को साथ साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा या ध्यान होगा, वर्क से एनर्जी को जनरेट कर सकते हो और एनर्जी से आप वर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है धनंजय, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? धनंजय हैंग हो रहा, हैंग हुआ मोबाइल, गलती से हो गया। ओ
ओके वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी मैंने साथ में लिख दिया ऐसा, वो डबल एरो काहे के लिए बना दिया भाई, डबल एरो बनाया ना इन्होंने यहाँ पे। तो वर्क से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो और एनर्जी से आप वर्क में कन्वर्जन कर सकते हो, समझ गए ना। वर्क में कन्वर्जन कैसे होता, कोई बताएगा एग्जाम्पल, एनर्जी से वर्क और वर्क से एनर्जी, वर्क से एनर्जी और एनर्जी से वर्क, बताएगा कोई क्या? जनरेटर। जनरेटर ठीक है, और अरे बताओ ना भाई थोड़ा सा एग्जांपल बता दो, सोचो थोड़ा सा। क्या? इलेक्ट्रिक मोटर सर, इलेक्ट्रिक मोटर। अरे यार इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहे हो तुम लोग, देखो अभी यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे चाय पियो अभी कि नहीं पियो, ये देखो ये मेरे हाथ में कप रखा है, कप रखा है। अगर मैं यहाँ से ऊपर उठा रहा हूँ इसको, तो मेरा हाथ उसमें कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पे पहुंचे तो ज्यादा हो गई, समझ गए? अरे भाई समझ गए ना। यस सर। तो वर्क से एनर्जी में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है समझ गए? हेलो। यस सर। यस सर। तो वापिस आ गए अपन स्क्रीन पे, वर्क एंड एनर्जी है ना, वर्क एंड एनर्जी। तो मैं वर्क को डिफाइन, अब एनर्जी में ना दुनिया भर की एनर्जी है, आप बोलोगे कि सर ये भी है ये भी है, बिल्कुल सही, बहुत सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊं, ये भी कई टाइप की होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग देखा है कि नहीं देखा है, स्प्रिंग देखा है, उसको खींच दो तुम तो वहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी है ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे धनुष बाण देखा है ना, खींचे हो खेले हो बचपन में कि नहीं खेले हो, वो छोटे छोटे आजकल बच्चों के लिए बहुत आते हैं तीरंदाजी में जो यूज होते हैं बेटा, उसमें तो रस्सी को खींचते हो फिर छोड़ते हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, यस सर, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की है, तो कोई भी हो मतलब हमें यहाँ पे नहीं है वर्क और एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आप देख लोगे साउंड एनर्जी मतलब वेव एनर्जी, आप बोल सकते हो वेव के फॉर्म पे जो एनर्जी आएगी, साउंड भी आप ले सकते हो, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी ले सकते हो, हीट, यस हीट आप ले सकते हो, सोलार, अब वो यहीं पे आ गया ना हीट, न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर एनर्जी आप बोल सकते हो, तो ये वैरायटी ऑफ फॉर्म है। अभी समझ गए कि नहीं, कोई डाउट? नो सर, नो सर। वर्क के लिए लेकिन एक ही है वर्क, हाँ बस इतना हो गया, फिर एनर्जी में तो आपके बहुत सारे टाइप आ जाते हैं। तो मैं वर्क के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्क को कैसे डिफाइन करते हो आप, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर कॉस थीटा भी आता है बेटा, बट मैं यहाँ पे कॉस थीटा नहीं लिख रहा हूँ अभी, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ये कॉस थीटा की कहानी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज द मतलब बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से आपने आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और अगर आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, ये सपोज आपने इसमें ऐसा फोर्स लगाया, खींच रहे हो पुल कर रहे हो इसको, दिस फोर्स इज पुल टाइप फोर्स, और इससे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा बॉक्स का, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉक्स का, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? तो इसकी डेफिनेशन पता है क्या, वर्क की डेफिनेशन? हाँ वर्क की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एंगल यहाँ पे मान लो थीटा डिग्री का बता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बट कॉस थीटा की ना कोई यूनिट वगैरह नहीं होती, कॉस थीटा जानते हो ना, कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है तो वो छोड़ दो अभी, आप वहाँ पे कॉस थीटा के बारे में ज्यादा मत सोचो,
cos थीटा वैसे भी आपको पता है cos थीटा क्या लिखते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हो ना, आया ना राइट ट्रायंगल पे, अरे लिखते हो कि नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हां एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड भी लेंथ और हाइपोटेनियस भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ तो कट गया तो कोई यूनिट बचेगी नहीं। वैसे भी जैसे आप cos 30 बोलते हो तो cos 30 की वैल्यू क्या होती बताओगे, cos 30 जरूर 3/2। हाँ, इसमें मीटर लिखते हो क्या कभी, कि सेंटीमीटर लिखते हो कि केजी लिखते हो? नो सर, यूनिट नहीं रखते हैं। कुछ लिखते हो केजी? नो सर, नहीं लिखते हो ना सर, पक्का? दोनों गलत है, मतलब cos 30 इज रूट 3/2 मीटर गलत है, रूट 3/2 केजी गलत है, रूट 3/2 सेकेंड गलत है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, ठीक है, मतलब नंबर होता अल्टीमेटली। सो cos 30 इज द नंबर बेसिकली, कोई भी एक नंबर आएगा वहां पे, कोई भी रियल नंबर मिलेगा आपको, तो यूनिट नहीं होती। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट है? नो सर, नहीं है, ये नहीं लिखी जाती, हाँ वो गलत है, मीटर केजी कभी नहीं लिखा जाएगा उसके साथ। तो अब आप बताओ फोर्स के लिए जो यूनिट बनेगी एसआई यूनिट, ये कैसे बनेगी? वर्क किससे मिलकर बना, फोर्स किससे मिलकर बना बेटा? मास, मास इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कॉस थीटा को हटा दिया क्योंकि कोई यूनिट नहीं है, और वो साइड अपॉन साइड करोगे तो हट जाएगा वहां पे, तो ये बन गया तुम्हारा मास। एक्सीलरेशन किससे मिलकर बन गया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर से किसके इक्वल हो गया, लेंथ के। तो ओवरऑल देखो ये किससे मिलकर बन गया, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, बेटा ये टाइम का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये डिराइव हुआ, किससे डिराइव हो गया, देखो मास लेंथ और टाइम से डिराइव हुआ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 2 है, टाइम की पावर -2 है, समझ गए ना? अगर इसको न्यूमेरेटर में ले जाके लिखोगे तो फिर माइनस पावर, अरे हाँ या ना, जवाब तो दो। लेंथ का स्क्वायर इनटू टाइम की पावर आप -2 लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, समझ गए ना, तो लिखने के तरीके। आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी इसी तरह से आएगा फाइनल रिजल्ट उसका, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, अगले पेज पे जाएंगे अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। यस सर, ओके गुड, अगले पेज पे आ रहा है बेटा अपन, पेज नंबर 7 पे। चलो काइनेटिक एनर्जी को देख लो जरा लिख के, अब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी को लिख के देख लो। पेज नंबर 7 आएगा कि 8 आएगा बेटा? 8 नाउ काइनेटिक एनर्जी को लिख के देखो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर है ये, दैट इज स्क्वायर ऑफ स्पीड, सो दिस इज हाफ ऑफ एम इनटू वी स्क्वायर, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, हाफ मास। माइक म्यूट कर लो बेटा, बड़ी अच्छी अच्छी म्यूजिक आने लगती है मुझे पीछे से। हाँ, स्पीड को क्या लिखोगे आप, स्पीड को क्या लिखते हो फिर से? लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम ना, पूरे का स्क्वायर, समझ गए? हाफ को छोड़ दो, हाफ हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है, तो आप इसको देखोगे तो ये मास लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, वापिस वही आ गए वर्क के जैसे, वर्क में जैसे निकाले थे आपने, ये देखो वर्क में इधर दिख रहा है ना, वर्क के लिए, हेलो दिख रहा है, वर्क के लिए जैसा देखे थे वैसे ही आया। तो आप कोई भी एनर्जी के लिए देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया, आप किसी भी एनर्जी के लिए देखोगे आप यहीं पहुंचोगे, ठीक है, किसी भी एनर्जी के लिए देखोगे तो आप यहीं पे पहुंचोगे, मास इनटू लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर के बराबर ही आएगा सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, पूरा घूम फिर के यहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो अब अपन क्या देख ले रहे हैं, इनकी एसआई यूनिट देख ले रहे हैं, ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट यहां पे देखते हैं,
एस आई यूनिट ऑफ वर्क एंड ऑब्लिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एस आई यूनिट, हाँ कोई भी एनर्जी हो, एस आई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, पहले तो तोड़ दो, जूल होती है, बिल्कुल सही है ना, पहले आप मास को किस में लिखोगे, केजी, और लेंथ को मीटर, पावर मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये कलेक्टिवली किसके बराबर होता है, जूल भाई साहब के बराबर होता है ना, उनके सम्मान में रख दिए कि भाई तुमने बहुत काम किए तो तुम्हारे नाम पे रख दी, तुम लोग आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करोगे, तो मान लो एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर दिया किसी ने, इसका नाम ले लो गुंजन ने, बहुत अच्छा नाम कर दिया कि एनर्जी के बारे में गुंजन ने, तो गुंजन रख देंगे यूनिट उसकी एनर्जी की, ठीक है। फिर सीजीएस यूनिट देख लो इसका, सीजीएस यूनिट हाँ ऑफ ग्राम एंड एनर्जी, दैट इज ग्राम, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसको कलेक्टिवली एक सिंगल नाम से रिप्रेजेंट कर देते, दैट इज अर्ग, अर्ग या फिर अर्ज भी पढ़ते कुछ है। अब ये भी पूछ लो लगे हाथ की, सर ये वन जूल में कितने अर्ज होते हैं, किसी ने पूछा नहीं बट अभी दिमाग में आ ही जाएगा, तो आप निकाल सकते हो कि कितने होते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ज, ओके वेरी गुड, ये बता भी दिया इसने, तो व्हाट इज वन, वन जूल में कितने अर्ज होते हैं, अगर ये आपको निकालना है तो आपको पहले जूल को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा मतलब किससे मिलकर बना जूल, के जी, फिर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब सॉल्व करो, केजी मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया ना, और मीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दोगे, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अभी सॉल्व कर लो बेटा इसको, अभी सॉल्व करोगे तो ये 1000 फिर 100 फिर 100 फिर ग्राम फिर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, देखो अभी आंसर कितना आ गया, 10 to the power, कितने जीरो बन रहा है यहाँ पे, 7 जीरो बने ना, तो 10 to the power 7 अर्ज के बराबर, सो 1 joule is equals to 10 to the power 7 अर्ज आ गया। अरे भाई समझ गए? Yes sir. कोई डाउट किसी को, कोई डाउट कन्वर्जन में, कोई डाउट किसी को? No sir. Okay, no, sir. तो ये वर्क एंड एनर्जी के लिए कहानी हो गई, अभी इतनी वर्क एंड एनर्जी के बारे में, तो ये याद रखना यूनिट, अभी भूलना मत जिंदगी में कभी भी, 1 न्यूटन कितना होता है, 1 जूल कितना होता है सीजीएस सिस्टम पे, है ना, तो 1 joule is equals to 10 to the power 7 अर्ज होता है, भूलोगे तो नहीं है, मैंने और इसलिए अलग से एक बार और लिख दिया था, ठीक है, कैलकुलेशन किया, यहाँ भी लिख दिया दोबारा, ठीक है। अच्छा और भी यूनिट होती है बेटा इनको मेजर करने की, पता है कि नहीं, एनर्जी को मेजर करने की और भी यूनिट होती है, हेलो, और भी यूनिट होती है, वो भी बता देता हूँ मैं, बहुत यूज होती है ये, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है ना, ये बार बार यूज होने वाली है, तो इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं, मुझे लगता है आज डायमेंशन ले लिए, पेज नंबर 9 पे अपन आते हैं फिर से वापस, पेज नंबर 9 अभी आज की क्लास का, ठीक है, पेज नंबर 9, अभी डिफरेंट यूनिट टू मेजर एनर्जी है ना, कौन कौन सी यूनिट होती है, डिफरेंट units to measure energy, different units to measure energy, टॉम मेजर नहीं दिख रहा है, वो टू मेजर है वो, हाँ मैं तो पढ़ने लगा टॉम क्यों लिख दिया सर, टू अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है, गैप कम हो गया था, टू मेजर एनर्जी, ठीक है, एक तो जूल होती है, एसआई यूनिट इज जूल, ये एसआई यूनिट है ना, अब वन जूल एसआई मत पढ़ना, एसआई यूनिट है ये, हाँ तो ये होता किसके बराबर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल,
सर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर वन अर्ग ये कौन सी यूनिट है सीजीएस यूनिट है एंड दैट इज 10 टू द पावर पहले तो आप इसको तोड़ दो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल ठीक है 1 अर्ग 10 टू द पावर माइनस 7 1 जूल में होता है फिर कितने अर्ग होते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं तो 1 अर्ग में 10 टू द पावर माइनस 7 जूल आएगा ठीक है 1 कैलोरी सुना है कि नहीं कैलोरी 1 कैलोरी सिंबल होता है अरे कैलोरी सुना है कि नहीं सुना है हाँ सर यस सर शक्कर में बहुत सारी होती है बिस्किट खाया है पार्ले जी हाँ सर उसके रैपर को पढ़ा कभी नो सर आज पढ़ना आज खरीद के 5 रुपए का आज चॉकलेट मत खाना आज बिस्किट खाना पार्ले जी 5 रुपए वाला पैकेट सब पढ़ा है लिखा रहता ना उसमें बेटा पूरे कंटेंट लिखे रहते कि इसमें yes, कितना कार्बोहाइड्रेट इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखा रहते हैं हां तो पढ़ के देखना ये कितना है शुगर एनर्जी कितनी है वो सब दिया रहता है उसमें हां बिस्किट के पीछे लिखा रहता है कैलोरी आता है उसमें देखना तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल एक्चुअल में 4.18 जूल होता है ये आप इसको राउंड फिगर में 4.2 जूल लिख सकते हो समझ गए अब बोलोगे सर ये है सर हाँ बोलो सर वो उधर 10^-7 लिखे तो 10^-7 चाहिए नहीं यार ऐसा कैसे हो जाएगा देख ले एक बार और फिर से देख ले भाई सर वो ऊपर वाला पेज दिखाइए एक बार ठीक है देख ऊपर वाला पेज देख ले ये देख दोनों हाथ बराबर है क्या तुम्हारे मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड को आप दोनों को एक ही मानोगे क्या नहीं ना लेफ्ट राइट कुछ बराबर होता है कि नहीं होता लेफ्ट और राइट सो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल हाँ और इसकी डेफिनेशन बड़ी खतरनाक टाइप की है पता है 1 कैलोरी की खतरनाक मतलब देखने में तो बिल्कुल सिंपल लगेगी आप 1 ग्राम पानी ले लो 1 कैलोरी की अगर आपको डिफाइन करना है ना तो इसकी डेफिनेशन ऐसी आती है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram water. It is the amount of heat. Heat मतलब energy है ना. Required to raise the temperature of 1 gram water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 1 atmospheric प्रेशर ये है इसकी डेफिनेशन 1 कैलोरी की इस तरह से होता 1 कैलोरी ऐसा ठीक है और एक और एनर्जी की यूनिट में लिख रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन बोल्ट हाँ 1 इलेक्ट्रॉन और फिर बोल्ट भी आ गया वहां पे इलेक्ट्रॉन और बोल्ट कुछ दिमाग लगाया 10th क्लास में तुमने EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़े थे कि नहीं 10th स्टैंडर्ड में हाँ सर पढ़े थे वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़े थे कि नहीं याद आया वर्क डन अपॉन चार्ज हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ना चार्ज को भेज दो मल्टीप्लाई करा दो तो वर्क बचेगा इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू इतना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होता है ठीक है ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल तो ये जितनी टाइप की भी एनर्जी के लिए यूनिट यूज होती ना यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने तुम अपने हिसाब से भी बना सकते हो यार यूनिट है ना
अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन पॉपुलर करना पे तुमको कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा कि तुम पॉपुलर हो जाओ तो तुम्हारे नाम से तुम्हारी यूनिट भी पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है, ओके। डिफरेंट यूनिट टू मेजर एनर्जी, ये यूनिट यहाँ पे लिखी है, इनको ध्यान रखना, आप याद रख सको, बहुत अच्छी बात है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीन शॉट, लो जल्दी से फटाफट ले लो। ले लिए? ले लिए सर। यस सर। पेज नंबर 10। मेरे को लग रहा आज तो अपन नया टॉपिक पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे, लेकिन कल शुरुआत से नया टॉपिक पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि जितना बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताने का था वो हो गया, उसके बगैर अपना डायमेंशनल फार्मूला अपन लिख नहीं पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट है पावर। पावर के बारे में बताओ जरा कुछ। वर्क डन अपॉन टाइम। पावर के लिए सिंबल भी अपन पी ले रहे हैं, अभी फटाफट लिख दे रहा हूं मैं, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखोगे। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाई? ये डेफिनेशन है कि लॉ है, ये पावर, बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम, ये डेफिनेशन है कि लॉ है? हेलो सर, ये डेफिनेशन है कि लॉ है? सर लॉ है, लॉ है, हमारी की लॉ नहीं है, किसने दिया है? डेफिनेशन है, किसी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लॉ है कि डेफिनेशन है? डेफिनेशन है बेटा। वैसे ये भी डेफिनेशन है, नई फिजिकल क्वांटिटी आपने बनाए। लॉ क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये लॉ है कि डेफिनेशन है? डेफिनेशन, ये लॉ है सर। डेफिनेशन और लॉ में डिफरेंस क्या है फिर? एक्चुअल में इसको न्यूटन ने डिफाइन किया कि कैसे मेजर करते, कैसे ये दोनों रिलेटेड है ना। तो लॉ मतलब जैसे न्यूटन्स लॉ में अपन कहानी पे पहुंच गए। ठीक है, तो लॉ जो दो किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है ना। अब ये मत बोलना सर यहाँ पर भी तो एनर्जी और टाइम ये कनेक्ट हो रहा है तो ये लॉ है क्या? हो सकता है शुरुआत में जब ये बना होगा तो इसको ऐसे जरूरत पड़ी होगी, बट ये लॉ नहीं है बेटा ऐसा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये क्या है? सिर्फ एक डेफिनेशन है कि आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? हमको कुछ एक नए टर्म को खोजने की जरूरत पड़ी, इसलिए बनाइए। अब क्यों इसको खोजने की जरूरत पड़ी? यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे, ये देखो ये कब दिख रहा है, कब दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, चाय का कब दिख रहा है? अभी अभी सपोज मैं हूँ, इसको यहाँ से इतनी हाइट तक 5 सेकंड में उठाया मैंने, सेम हाइट तक, ये देखो मेरे यहाँ पर से यहाँ तक 5 सेकंड में उठा के हुआ। ठीक ना, तुम में से कोई इसको 10 सेकंड में उतनी हाइट तक उठा रहा है, तीसरा उसको कोई 20 सेकंड में उठा रहा है, तो वर्क तो सब बराबर कर रहे हैं, सभी वर्क बराबर कर रहे हैं, ध्यान रखना इस पे, है ना। लेकिन क्या चीज डिफरेंस क्रिएट हो रही है वहां पे? टाइमिंग। कोई जल्दी कर रहा है, कोई देर से कर रहा है, इसलिए पावर को डिफाइन करने की जरूरत थी। समझ गए कि नहीं? Yes, समझ गए। आपने मान लो दो लोगों को हायर किया कुछ काम करने के लिए। ठीक है, आपने दो लोगों को हायर किया कुछ काम करने के लिए, दुकान से कुछ सामान उठा के तुम्हारे घर तक पहुंचाना है। ठीक है ना, अब एक ने 5 मिनट में घर तक पहुंचा दिया, एक ने पूरा दिन भर लगा दिया, दोनों ने वर्क सेम किया, लेकिन पावर किसका ज्यादा है? जिसने 5 मिनट में पहले पहुंचा दिया। अभी समझ गए कि नहीं? तो क्यों जरूरत महसूस हुई होगी पावर को डिफाइन करने की? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके, तो वापिस आते हैं अपन यहाँ पे। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो दोनों एक ही टर्म है यहाँ पे, वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। तो अब यूनिट बता दो जरा, ऐसा यूनिट इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, और ये पूरा कलेक्टिवली इक्वल होता है वॉट। वॉट नहीं लगी, वॉट, जेम्स वॉट, जेम्स बॉन्ड नहीं है, क्या है? जेम्स वॉट है। वॉट क्या किया था इसने, क्या किया था, काय के लिए कंट्रीब्यूशन था? अरे कुछ कंट्रीब्यूशन था जेम्स वॉट, काय के लिए कंट्रीब्यूशन था बेटा इसका?
नेक्स्ट है प्रेशर, बताओ जरा सोच के बताओ। स्टीम इंजन वगैरह के बारे में पता है कि नहीं पता है? स्टीम इंजन, हेलो, इंजन के बारे में पता है कि नहीं? नेक्स्ट है प्रेशर। यस सर हाँ प्रेशर यस सर प्रेशर पता है। हाँ प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, फटाफट होते जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन और ये इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये भी साइंटिस्ट के नाम पे अपन ने रख दिए पास्कल। ठीक है, पास्कल। पास्कल के लिए ना सिंबल पी ए होता है, कैपिटल पी स्मॉल ए। ठीक है, ये पास्कल। अरे भाई समझ गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल के इक्वल। समझ गए सर, समझ गए। और सीजीएस यूनिट देखोगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ये नो सर। इंपल्स वर्ड अगर यूज किया जाता है, इंपल्स, इंपल्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स, इंपल्स को मैं जे सिंबल से यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। इंपल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, हाँ। तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन सेकंड, या फिर एक और यूनिट होती चेंज इन मोमेंटम भी होता है। चेंज इन पी मतलब चेंज इन मोमेंटम भी इंपल्स के बराबर होता है। अभी क्यों आए मत पूछना, चैप्टर पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली समझोगे। चेंज इन मोमेंटम ये भी होता है ना, कोई लॉजिक लगा सकता है क्या? क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है ना। फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी होता है ना। तो फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम। अरे भाई समझा कि नहीं समझा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फोर्स इनटू टाइम। तो एफ इनटू टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो गया? हेलो यस सर। हाँ वो अभी लास्ट वाली स्टेप नहीं चमकी होगी क्योंकि वो न्यूटन सेकंड लॉ है। कोई बात नहीं, मत चमकने दो, दिमाग में मत आने दो। अभी जब अपन न्यूटन्स लॉ पढ़ते तो ऑटोमेटिकली हो जाता है वहाँ पे। बस अभी इतना ध्यान रखना है कि इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम होता है या फिर चेंज इन मोमेंटम होता है, एक ही बात है। तो यूनिट भी न्यूटन सेकंड रहेगा या केजी मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट यहाँ तक भाई? पावर, प्रेशर, इंपल्स। अब जिन बच्चों ने, हाँ बोलो, इंपल्स डेफिनेशन है कि लॉ है? इंपल्स बेटा डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर प्रेशर डेफिनेशन है कि लॉ है। प्रेशर यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन है, और फिर पास्कल ने उसमें कुछ लॉ दिया है वहां पे, वो अलग है, वो लॉ है फिर वहां पे, पास्कल्स लॉ। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा ओम्स लॉ क्या है बताओ? डेफिनेशन है कि लॉ है? लॉ है। ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ है कि बस एक रिलेशन है? फंडामेंटल लॉ नहीं है, फंडामेंटल लॉ रिलेशन है सर, रिलेशन है। सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, वो भी लिमिटेड टेम्परेचर पे, हर कहीं पे नहीं लगा सकते आप, लकड़ी पे नहीं लगा सकते उसको। ठीक है ना, कि लकड़ी के दो एंड पे वायर लगा दो और फिर करंट मेजर कर लो, वहां नहीं लगेगा। समझ गए? तो वो सिर्फ अभी समझा कि नहीं डिफरेंस? धीरे धीरे सब समझ जाओगे तुम लोग पूरा। लॉ क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, किसको लॉ बोलेंगे, कौन से यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, कौन से रिस्ट्रिक्टेड लॉ है, तो ये बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। ओके, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी आज की क्लास में पढ़ी अपन ने है?